अस्सलामुअलैकुम नानो के दस्तखान से एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को लौकी का स्टू बनाना सिखाऊंगी। हमेशा की तरह जैसे मेरी स्मार्ट कुकिंग होती है, बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी डिश तैयार होती है। वो उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा जितनी भी डिशें मैंने बताई हैं। अब मैंने आधा किलो लौकी ली है, इसको छील के मैंने स्क्वायर में काट लिया। तीन मैंने बड़े प्याज लिए हैं, इसको मैंने इस तरह से काटना, बहुत बारीक काटे हैं ना बहुत मोटे काटे हैं, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये टेबल स्पून से लिया है मैंने। एक ये लाल मिर्चें पिसी हुई हैं, ये पांच साबित लाल मिर्चें हैं। ये लौंग और काली मिर्चें हैं। ये थोड़ी सी हल्दी है, नमक है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल के इसको भूनूंगी। लेकिन इसको मुझे कोई चीज़ फ्राई नहीं करनी है, मुझे एज इट इज़ सब चीज़ों को एक साथ डाल के हल्की आँच पर बनाना है, जो मैं आपको बताना दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऑयल और ऑयल के साथ मैंने ये लौकी डाल दिया। अब मैं सारे मसाले बारी बारी डालूंगी, ठीक है, एक साथ। ये देखिए हल्दी है और ये सारी साबित मिर्चें हैं, नमक हंसबे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने एक टेबल स्पून और उसके साथ थोड़ा सा और मैंने लिया था, और ये प्याज कटी हुई है जो मैंने काटने के बाद धो लिया था। अब इसको सब मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको हल्की आंच पे चढ़ा दूंगी। जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो मैं हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला डालूंगी और फिर ये डिश आउट करूंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको आज मेरी ये डिश पसंद आएगी, कि मेरी स्मार्ट कुकिंग जिसमें बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करती हूँ। लौकी का स्टू मेरे ख्याल में आपने कभी ना खाया होगा। मेरी अम्मी बहुत बनाती थी और मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने कहा आज मैं आपको ये बताना सिखाती हूँ। इस तरह से भून लेंगे, ये किस शक्ल में देखिए हमने खूब अच्छे से भून लिया। आधे चम्मच मैंने गरम मसाला का डाला था इसके अंदर भूनते वक्त, और ये देखिए ये तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, तेल भी आ जाते हैं ऊपर भूनते वक्त और खुशबू आ जाती है। गरम मसाला मैंने ऊपर से डाला, ये देखिए, ये देखें, ये लौकी का स्टू तैयार है। मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है, आपको पसंद आएगा, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जाते जाते एक दफ़ा अच्छी बात कि आपस में प्यार मोहब्बत बांटिए, बड़ों का एहतराम करिए, बच्चों से प्यार करिए। अल्लाह ने के बहाना।